पहले मुझे साइन करने दे। ए, पहले तो मुझे साइन करने दे वरना तेरा सर फट जाएगा। ए, कांस्टेबल, पहले अगर इसने साइन किया ना तेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा बहुत जल्दी। आप लोग गवर्नर पोस्ट या सीएम पोस्ट के लिए साइन नहीं कर रहे हो, गुंडों के हाजिरी खाते पे साइन कर रहे हो। ए, लेक्चर देगा तो तेरा सर फट जाएगा। पहले मुझे साइन करने दे, चल मुझे साइन करने दे पहले। अरे मैं साइन करूंगा पहले। अरे मैंने कहा ना मैं करूंगा, मैंने बोला मैं करूंगा। पहले मैं करूंगा साइन। अरे कहा ना मैं, अरे मैं पहले। अरे कहा ना मैं। साहब कुछ है तो दे दीजिए, कुछ है तो दे दीजिए साहब। निकल यहां से। ए शंकर, मेरे सामने आने की तेरी हिम्मत नहीं तो मेरे बेटे को मारने की कोशिश करता है, उसकी गाड़ी में बम लगाता है। ए, हिम्मत है तो मेरे सामने आ, मैं अभी आती हूँ तेरे पास। हाँ ए चंदर, चल बताती हूँ उसको। ए थू, तेरी जिंदगी के ऊपर पीठ पीछे वार करता है। ये हमारे वंश में नहीं, चाहे कितना भी बड़ा मर्द हो, उसे गला पकड़कर रोड पर बीच रास्ते में लाकर चीरने वाला वंश है मेरा। देखो तुमने जो काम किया है उसके लिए ये यामिनी कुत्ते की तरह सड़क पे भौंक रही है। ए शंकर, अगर मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल, आज तू रहेगा या मैं रहूंगी, आज फैसला होके रहेगा। आ, सामने आ। ए, कुत्ते की तरह क्या भौंक रही है, पीठ पीछे वार करने वाला कौन बोल रहे है रे? ये हमारा चरित्र नहीं है। ये स्वामी पीठ शंकर के बारे में पूरी सिटी में पूछ ले, बता देगा। ये बात है, ये स्वामी पीठ का शंकर कितना शरीफ है मुझे अच्छी तरह पता है। तेरी माँ बस स्टैंड में जेब काटती थी, तेरा बाप रेलवे स्टेशन में चाय बेचता था, और इस शंकर के बारे में क्या बोलूं? वो धूल पेट के हुडुम्बा सिंडी की भट्टी में उफ उफ करके फूंक मारा करता था। ये स्वामी पीठ के शंकर की स्टोरी है, धूल पीठ के यामिनी को क्या सुनाता रहा? बहुत खूब, दूध पेट यामिनी बोल रही है। तेरे बारे में किसको बता रहे? तेरा बाप फटे हुए और कटे हुए टुकड़े लाला के बेचता था और तू मुझे बता रही है? ये स्वामी पीठ शंकर को अपने बारे में बता रही है? थू, कितनी घटिया। ए, और एक बात मेरी माँ के बारे में बोला ना तो हवा में उछाल के चीट डालूंगी, समझ गया? ए, मेरे बाप के बारे में अगर कुछ बोले चीट कर उसमें नमक डाल दूंगा, क्या समझ रही है अपने आप को? अरे जरा देख तो सही, ये कितना बढ़ चढ़ के भौंक रही है। ए, मेरे बाप से कुछ कहा ना तो छीट दूंगा। अरे तू मेरा क्या उखाड़ेगा, चोरों की तरह पीछे से बम लगाता है। अगर हिम्मत है तो सामने आ, दिखा देता हूँ तेरे को। अरे बहुत सुन लिया, चल एक एक हाथ हो जाता है, चल चल। अबे आ रे, तू इधर आओ। मम्मी इसे यहां नहीं मारना, मंदिर में जाके शिव जी के सामने बलि देना। बहुत बोल रही है। ए राम, कल शिव के मंदिर में इसका गला पेश कर। ए, अगर वो हार गया तो एरिया छोड़कर चले जाना यहाँ से, समझी? एरिया का क्या, मैं ये जगह छोड़ के चली जाऊंगी। कल अगर मेरा बेटा हार गया तो उसी वक्त शिव जी के सामने बलि दे दूंगी। हाँ, ये कैसे पति पत्नी है, कब शादी की, कब संसार बसाया और कब बच्चे भी पैदा हो गए? तो फिर कल की शर्त के लिए रेडी हो जा। बिल्कुल बेटा, कल इसका सर कट के गिर जाना चाहिए और गली में इसका पजामा उतार कर लहंगा पहनवा कर घुमाऊंगी, चल मेरे साथ। चल देख लेंगे। हाँ, कल जो शिव जी के मंदिर में लगी धनुधरी कल इस गली में छूट जाएगी। इसमें बैठ के कितना अच्छा लग रहा है। चलो भाई साहब, रास्ते में आकर ऑटो रोक दिए, क्यों पेट्रोल खत्म हो गया? मेरी हालत खराब हो गई, पूरा गांव मुझको घुमा डाला लेकिन एड्रेस नहीं मिला। ओ माँ जी, तुम्हें बहुत सारा पैसा देगी। तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारी जरूरत भी नहीं, चलो निकलो, उतरो। क्यों रे, तुम्हें सचमुच उसका एड्रेस पता है ना? हाँ माँ जी, मुझे पता है। बिना एड्रेस के मेरी जान निकालते रहे, चलो भागो। अरे हराम को रोड कितनी चलवाएगा, इसका एड्रेस पता है कि नहीं? ये पास ही में है, दिखाता हूँ। हाँ, चलो दिखा, चल। हाँ, चलिए आइए। आ यार, ए हराम को, तूने मेरी पोतियों को कैसे कपड़े पहनवाए, देख जरा देख, गांव की सारी जनता मेरी पोतियों को देख रही है। ऐसे मत बोलिए माँ जी, उस राम लक्ष्मण को मॉडर्न ड्रेस बहुत पसंद है। हाँ,
कोई मामूली ड्रेस नहीं है, फिल्मों में सोनाली बेंद्रे और आरती अग्रवाल के पहनने वाले ड्रेस है माँ जी। हाँ। ओहो, तो अगले 10 मिनट में उनका एड्रेस नहीं बताया तो तुझे जिंदा रहते हुए तेरा क्रियाक्रम करवा दूंगी। इतनी बड़ी बात मत बोलिए माँ जी, पास ही में दिखा रहा हूँ, आइए दिखाता हूँ। कुछ भी दूर चलवाएगा रे कमीने, तुझे इनका एड्रेस पता है कि नहीं? इधर है माजी, जाने वाले को मत छेड़ो। अगर ये बिल्डिंग उन दोनों की कह दे तो बच सकते हैं। हाँ, मिल गया। हाँ, किधर है, जल्दी बोल। तुम्हारी पोतियों से शादी करने वाले उन दोनों का घर यही है। हाँ, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। हाँ, राम लक्ष्मण का घर है, ये कैसा रिश्ता लाया है तू? शशिकला, लक्ष्मी, देखा तुम्हारे होने वाले पति का घर है, इतना बड़ा घर है, तुम इतना अच्छा लग क्या रे? तेरे मुंह में की शक्कर, तेरी उम्र लंबी हो। क्या सोच रही हो माजी, आपके जैसे बड़े बड़े लोग हर रविवार को इधर ही खाना खाने आते हैं, कपड़े वगैरह फाड़ फाड़ कर जितना खा सकते हो उतना ढकेल कर खाते हैं। मैं ये हरगिज नहीं बता दूंगी, हमारे जमाई की कमाई हमें खानी चाहिए, कोई और नहीं खा सकता। हाँ, खाइए खाइए, पूरा आप लोग ही खा जाइए, कोई शक नहीं। हाँ, जा, कोई जा, शक जा, नहीं। चल जा जा जा, जा, जा अपने जमाई से कहकर तुम्हें अच्छा सा तोहफा दिलवाऊंगी। ओ तोहफा वो हमें क्यों माजी, आप जाइए और आप भी साथ में जाइएगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन बैग तो मुझे दे। इतने बड़े घर में एक चढ़ा हुआ बैग लेकर जाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? ठीक है, जाइए जाइए जाइए। देखा कैसा सो रहा है बेकूफ? अरे बेकूफ, हमारे राम लक्ष्मण की कमाई खाकर सो रहा है गधे की तरह, शर्म नहीं आती तुझे? कौन है माजी आप? ए, ये घर हमारे होने वाले पति का है, जानते हो? होने वाले पति का? हाँ, वही राम लखन की होने वाली पत्नी है हम। क्यों रे, ऐसे पागलों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? सिन्हे सलाम कर, नहीं तो देखो नौकरी से निकाल देंगे। हाँ, बिल्कुल सही। क्या निकालने आई हो, ये हाईटेक सिटी है, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, मुझे कोई नहीं निकाल सकता, जाइए जाइए। अरे मैं लौट गई, मैं बर्बाद हो गई। देखा वो शादी का ब्रोकर हमें कैसे धोखा दे गया। हाँ चलो जाओ यहाँ से जाओ। अरे अरे, कितना धोखा हो गया हमारे साथ, शादी के ब्रोकर ने हमें कितना बड़ा धोखा दिया है। अंधेरा होने से पहले हमें गांव चले चलना चाहिए, है ना? नहीं जाएंगे। नहीं होगी? हाँ दादी, वो राम लखन को ढूंढकर उनसे शादी करने के बाद गांव वापस आऊंगी, आप जाइए। अच्छा, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँ? ब्रह्मांड व्याप्त देहा भसते ही मदचा भासमाना भुजंगे ही कंटे काला कपर्दा कलित शिकला चंड कोदंड हस्ता त्रेक्षा रुद्राक्ष भूषा प्रणत भयहरा सांभवा। पंडित, पूजा हो गया क्या? हाँ, हो गई, अभी थोड़ी सी बाकी है। ए, जल्दी करो। ए, चलो ना, देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। चलो चलकर देखते हैं।